राष्ट्र तब बनेगा जब हमारे किसानों को खुशहाल होगा, नौजवान को नौकरी मिलेगी। और ये संविधान ही बदलना चाहते हैं, लोकतंत्र ही बदलना चाहते हैं। जनता ने तो इनको नकार दिया था उस बार भी, अन्य प्रदेशों में भी नकारा। सरकार नहीं कराएगी क्योंकि सरकार ही बनी है ईवीएम की गारंटी से, ईवीएम की ही कृपा से सरकार है। जब इनसे 2 करोड़ नौकरी के बारे में पूछो तो इन्होंने ये कहते हैं पाकिस्तान को हम घुसने नहीं देंगे। सबसे बड़ा ये खतरा देश के सामने यही है कि हमारा ये संविधान और लोकतंत्र आज खतरे में है। कोई अगर सांसद है उसके लिए अलग कानून, कोई गरीब है उसके लिए अलग कानून। रामलला टेंट में नहीं रहेंगे, हमने राम को लाया है, कृष्ण को लाएंगे। ये इतना बढ़िया बारीक झूठ भी बोल देते हैं कि लोग आम उसमें विश्वास हो जाते हैं। इस समय अंधभक्त पैदा कर रहे हैं। सनातन की बात करेंगे, हिंदू की बात करेंगे, ये हमेशा ध्यान भटकाने का काम करते हैं। अरे राम कहाँ कहीं पहुंचे थे? राम हमारे शरीर में है, यही जो बोल रहे हैं, जो श्वास चल रहे यही हमारे राम है। ये संविधान बदलना चाहते हैं, ये लोकतंत्र बदलना चाहते हैं। सच कर दो तो आपको अर्थव्यवस्था आएगी, सच कर दो तो अश्लील फिल्में आएंगी। तो ये हमारे विचार के ऊपर होता है। 7 डायरेक्टर में 4 डायरेक्टर केवल भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, तो चुनाव आयोग निष्पक्ष कहाँ रह गया? तो आपने देश को समझा क्या है भाई? आज देश संविधान चलेगा। पूंजीवाद और मतलब अमीरों और गरीबों में काफी दूरी बन गई है। देखिए वो नहीं कराएगा, सरकार नहीं कराएगी क्योंकि सरकार ही बनी है ईवीएम की गारंटी से, ईवीएम की ही कृपा से सरकार है। जनता ने तो इनको नकार दिया था उस बार भी, अन्य प्रदेशों में भी नकारा है। सबसे बड़ा ये खतरा देश के सामने यही है कि हमारा ये संविधान और लोकतंत्र आज खतरे में है। और ये संविधान ही बदलना चाहते हैं, लोकतंत्र ही बदलना चाहते हैं। उसका केवल लोगों में जो मैसेज दे रहे हैं, हिंदुत्व का, राम का, कृष्ण का, हिंदू का, मुसलमान का, अगड़े का, पिछड़े का, खतरे का, ये भय उत्पन्न कर रहे हैं। ये नीतियों ये बड़े सातिर हैं, ये बहुत चालाक हैं। ये इतना बढ़िया बारीक झूठ भी बोल देते हैं कि लोग आम उसमें विश्वास हो जाते हैं। इस समय अंधभक्त पैदा कर दे रहे हैं, बोल रहे हैं हम टेंट अब हमारे रामलला टेंट में नहीं रहेंगे, हमने राम को लाया है, कृष्ण को लाएंगे। अरे राम कहीं पहुंचे थे? राम हमारे शरीर में है, यही जो बोल रहे हैं, जो श्वास चल रहे यही हमारे राम है। राष्ट्रवादी बना रहे हैं आप, अंधभक्त बना रहे हैं। तो ये राष्ट्रवादी हैं, अगर राष्ट्रवादी ये होंगे तो अंधभक्त कौन होगा? राष्ट्र राष्ट्र कब बनेगा? राष्ट्र तब बनेगा जब हमारे किसानों को खुशहाल होगा, नौजवान को नौकरी मिलेगी। जो अंतिम व्यक्ति का पंक्ति में अंतिम व्यक्ति जो है उसके घर जब खुशहाली जाएगी। ये केवल भरमाने का काम कर रहे हैं, ये पाखंडवाद पैदा कर रहे हैं, ये मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, ये संविधान बदलना चाहते हैं, ये लोकतंत्र बदलना चाहते हैं। जब इनसे 2 करोड़ नौकरी के बारे में पूछो तो इन्होंने ये कहते हैं पाकिस्तान को हम घुसने नहीं देंगे। इनसे पूछो महिलाओं के साथ इतना अत्याचार क्या हो रहा है, तो ये सनातन की बात करेंगे, हिंदू की बात करेंगे, ये हमेशा ध्यान भटकाने का काम करते हैं। इसलिए ये ईवीएम जो है, ईवीएम की गारंटी है। आप ये बताइए, जब 7 डायरेक्टर में 4 डायरेक्टर केवल भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, तो चुनाव आयोग निष्पक्ष कहाँ रह गया? लेकिन ईवीएम तो कांग्रेस लेकर आई थी ना? लेके आई थी तो एक बार तो चुनाव निष्पक्ष। देखिए विचारधारा होता, नीति नियत होती है। हमारी नीति गड़बड़ है, हमारा विचार गड़बड़ है, तो हम किसी को गड़बड़ कर देंगे। ये मोबाइल में आप अगर सर्च कर दो तो राम की भजन आएगी, सर्च कर दो तो आपको अर्थव्यवस्था आएगी, सर्च कर दो तो अश्लील फिल्में आएंगी। तो ये हमारे विचार के ऊपर होता ना। तो ये इनको केवल अब सत्ता का भय है, सत्ता का लोभ है। और भय यह है कि नोटबंदी सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है इस देश का। काला धन क्यों नहीं आया? आपने कहा था काला धन आएगा, हवाई चप्पल वाला जहाज में चलेगा, 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी हम देंगे और हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे हम। अब देश ऐसा, मतलब आपने बोल दिया था जनता पागल हो गई। इतने बात कोई बता रहा था 34,000 करोड़ कितना केवल फ्री खाता खुलवाने से आया। तो आपने देश को समझा क्या है भाई? आज देश संविधान चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा। ये पिछड़ों को, जो पिछड़े हैं, कोयरी, कुहार, लोहार, गड़रिया, भर दरकार, पर कुर्मी, पटेल, मुसलमान जितने हैं, ये संविधान के तहत नौकरी इनको मिली है। संविधान के तहत ये पार्लियामेंट में गए, विधानसभा में गए, जिला पंचायत में गए, कोई जज बना, कोई वकील बना। आज वही तो समाप्त आप करना चाहते हैं, उसी पे आपका हमला। 2 प्रकार का कानून बना दिए, कोई अगर सांसद है उसके लिए अलग कानून, कोई गरीब है उसके लिए अलग कानून। पूंजीवाद और मतलब अमीरों और गरीबों में काफी दूरी बन गई है। लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, पहले की सरकारों में उसका हनन हुआ है, लोकतंत्र कुचला गया है। लोकतंत्र यही है, आप ये देख लिए, लोकतंत्र यही है कि अगर किसान 700 मर गए
उनको तब तक खालिस्तानी कहा गया जब उनको उत्तर प्रदेश का चुनाव था। अखिलेश यादव चले थे गाजीपुर से रथ लेकर के, भोर हो गया, सुबह में उन्होंने कहा मुझसे माफ हो गया, क्योंकि वो कुर्सी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। लोकतंत्र केवल भारतीय जनता पार्टी की नीति नियत का मजबूत हुआ, जो जय श्री राम बोला चाहे कुछ भी करो, ठोंक दो, गोली नहीं कैमरा के सामने चला। कोई अगर जय श्री राम कह के मार देता है, जय श्री राम करके जबरदस्ती नारा लगवाता है, वही जो जय श्री राम बोले वही तो लोकतंत्र केवल उनके विचारधारा का मजबूत हुआ है। नारा लगा रहे हैं जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, आप तो विजय माल्या को कब लाएंगे, नीरव मोदी कब लाएंगे, अच्छे दिन कब लाएंगे, ये नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी कब लाएंगे, हवाई चप्पल पहनने वालों के लिए वो टिकट हवाई जहाज का कब लाएंगे, स्मार्ट सिटी कब लाएंगे, शिक्षा कब फ्री लाएंगे, ये कब लाएंगे, यही तो रामराज है। रामराज बिना समाजवाद के से रामराज नहीं आ सकता। अमृतकाल चल रहा है, समाजवाद में ईडी पड़ी हुई है, ये ईडी है ना, ईडी पड़ी इसीलिए पड़ी है, जहाँ उनको भय है ईडी, उसी के जो इनके अंदर भ्रष्टाचारी आ गया वहाँ ईडी क्यों नहीं गया। अमृतकाल उत्तर प्रदेश में किससे भय है, यही अमृतकाल है, यही अमृत, अगर इसे अमृतकाल कहा जाएगा तो रावण राज किसे कहा जाएगा, अमृतकाल क्या है, अमृतकाल सब दे देना। अरे अमृतकाल तब होगा जब गरीब खुशहाल होगा, गरीबी पूछिए, कोरोना में तड़प तड़प मर गए, ऑक्सीजन आप नहीं दे पाए। लेकिन प्रधानमंत्री जो है गरीबों का दर्द समझते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, वो आते हैं, अब यही है गरीब परिवार से आते हैं, अगर गरीब ऐसे होंगे तो अमीर कैसे होंगे, तब उनकी सोच में आप लोग गरीब परिवार से, ये गरीबों को दर्द नहीं जानते, ये गरीबी तो लाए नोटबंदी करके, जीएसटी करके, आनंद फानंद में गलत नीतियां लाकर ड्राइवरों का भी ऐसा कानून लेके चले आए, ये वैक्सीन ये बनाए सरकार का काम होता है, क्या कांग्रेस नहीं बनाई थी, वो भी टीका चवन्नी हमारे ऊपर लगा है लेकिन उस पे प्रमाण पत्र नहीं दिया, वैक्सीन से कोरोना खत्म हो गया, कहीं नहीं बन रहे हैं कुछ नहीं, जो बने हैं हम उत्तर प्रदेश से आते हैं, जो बना था वो भी नहीं चलने दिया गया, नहीं नहीं कहीं नहीं बन रहा है, ये देखिए ये बन रहा है, कहीं कुछ नहीं एम्स बन रहा है, न कहीं कोई काम हो रहा, केवल अपने व्यवस्था पूंजीपतियों को बढ़ावा हो रहा है। आप दरभंगा, ये जनमानस की बात देखिए, ये चुनावी आपने जो वादा किया था, ये स्वास्थ्य के आपने देखा, कोरोना काल में सरकार पैरासीटामॉल नहीं दे पाई, उसी समय पश्चिम बंगाल में केवल कुर्सी के लिए ये लगे रहे, गलत नीति नियत का कारण हजार हजार किलोमीटर हमारा व्यक्ति नौजवान किसान का लड़का चल के मर गए, वो ऐसा है वर्ल्ड से ऑक्सीजन कहाँ गई, पूरे वर्ल्ड से ऑक्सीजन आई जब कोरोना काल में, वो किसने मंगाई, कब आई जब आदमी जब मर गए, आप देखो तो पता लगेगा, अरे अब हम नहीं देखते, आप बताए कब आई, जब लोग मर गए गंगा में, ऑक्सीजन आई कोरोना काल में, वर्ल्ड से आई, जैसे कि जो भारत के सिटीजन है वो बच जाए, वो ऐसा है जब कोरोना काल से लोग मर गए, फोटो विज्ञापन दिखा छापने के लिए वर्ल्ड से खरीदी गई, और जब तड़प के मर गए, अब एक आंकड़ा ये कहता है कि लगभग 99% तक लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, वो मुफ्त में लगी है, कि वो किसने मनवाई, क्यों लगवाई, कब लगी, अगर उन्होंने मारना ही हो, कब लगी, सब भाई खड़े हैं, ठीक है मैं भी खड़ा हूँ, आप भी खड़े हो, किसको वैक्सीन नहीं लगी, किसने पैसे दिए, ये एक मिनट, आपकी बात सही है, आंकड़ा ही कहता है, आंकड़ा ही कहता है, जब गंगा में मानव का शव सड़ गया, ये पश्चिम बंगाल से चुनाव, एक मिनट चुनाव में ये मस्त रहे, जब मानव मर गए, तड़प कर कोरोना चला गया, महामारी खत्म हो गई, तब वैक्सीन लगवाए, तब ऑक्सीजन का विज्ञापन छपवाए, ये आंकड़ा कहता है। देखो आप सब अच्छा चल रहा है पूरे देश में, भाई इनके लिए अच्छा होगा, इनके लिए अच्छा, ये 2 करोड़ नौकरी आई, नहीं कहता कि मैं ये नहीं कहता कि सब अच्छा चल रहा है, एक आदमी भी अच्छा मांगा, आपको ये नहीं कहता सब अच्छा चल रहा है, बट जो अच्छे काम हुए उसकी बातों को, अच्छा काम एक बताइए कौन हुआ है, एक बताइए आप, मैं चाहता हूँ आपका अभी गिनवा चुका हूँ, चार काम तो अभी गिनवा चुका हूँ मैं आपको, आप गिनवाइए, चागम तो भी गिनवा चुका हूँ मैं आपको, एम्स, वैक्सीन, हाईवे, एयरपोर्ट, दूसरी बात 5 लाख तक का बीमा मिल रहा है सबको, गरीब तक को मिल रहा है, ये पहले से ही था योजना, ये 65 साल में नहीं मिला, तो 65 साल में सरकार, बीजेपी सरकार, एक मिनट, मौजूदा सरकार 65 साल से तो नहीं है ना, जो अभी जो मौजूदा सरकार 65 साल से तो नहीं है ना,
अभी तो सरकार है, 10 साल से है ना। अच्छा ठीक है, आपको काला धन आया। हाँ जी साहब, काला धन आया, जवाब दीजिए। काला धन आया, आप बताइए। काला धन मैं कहता हूँ नहीं आया। हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चल रहा है, हवाई चप्पल पहनने वाला तो आपके एयरपोर्ट पे खड़े हैं, मैं एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ देखने के लिए कि सबका विकास हुआ, सबका सम्मान हुआ। या तो मैं एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ या तो आप एयरपोर्ट पे खड़े हो। अरे नहीं, किसानों की आय दुगना हुई, किसानों की आय दुगना होगी। आप क्या बात कर रहे हो आप बाबा जी? अरे भगवा तो भगवा माने भाजपा थोड़ी है। नहीं, भगवा माने भाजपा नहीं है जी, भाजपा माने भगवा है। भाजपा है, मैं कब कह रहा हूँ भाजपा है नहीं। ये सत्य को स्वीकार करिए। आप भी इसी देश के माटी के लाल हैं, आप भी हमारे प्रिय हैं। लेकिन देश के जो इन्होंने जब वोट लेने की अब जरूरत पड़ी थी, ये बायोडाटा, ये संविधान से देश चलेगा क्या कि धर्म से? आप केवल ये बताइए, आप क्या चाहते हैं कि ये मतलब धर्म कुछ नहीं हमारे देश के? धर्म हमारे लिए है, हम धार्मिक हैं, हमारे धाम है, हमारे लिए मंदिर है, लेकिन देश संविधान से चलेगा। ठीक है ना, संविधान से देश चलेगा। धर्म किसके लिए है फिर? हमारे धर्म नहीं, हमारे धर्म है क्या? हमारे धर्म नहीं है। नहीं, धर्म किसे कहते हैं? धर्म किसे कहते हैं? और धर्म क्या सिखाता है बाबा जी? धर्म यही सिखाता है कि अपने चितवृत्तियों के बस में कर ले, एक सब लोग एक समान हो, सबके साथ एक समान व्यवहार हो। आज एक समान व्यवहार हो रहा है? जो सही बोल रहा है उसके घर ईडी, उसके घर छापा, उसके घर बुलडोजर। आप ये सारी बात अभी कर रहे हैं बाबा जी? हाँ। आप सारी बात अभी कर रहे हैं? आपने ये बात आज से 9 साल पहले नहीं करी, जब हर नेताओं की ईडी जाती थी, हर नेताओं का सीबीआई जाती थी, ये हर नेताओं के यहाँ छापे पड़ते थे। बिजनेसमैन मैं व्यापारी हूँ, बिजनेसमैन के छापे पड़ते थे, गलत छापे। अभी भैया तूने 10,000 रुपए का टैक्स नहीं भरा, कम भरा है तो तेरा काम धंधा बंद, तेरी फैक्ट्री सील। अब कितनी कंपनियां बंद हो गई नोटबंदी में? आप बिजनेस में कितनी कंपनियां, कितनी प्राइवेट कंपनियां बंद हो गई, कितने लाख, कितने करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। आप बिजनेसमैन है, सबसे ज्यादा अगर उत्पीड़न हो रहा है बिजनेसमैन, और बड़े बिजनेसमैन का फायदा हुआ है, गरीब बिजनेसमैन टूट गए हैं, गरीब जनमानस में तबाही आ गई है। बाबा जी अगर देखो, अगर बाबा जी अगर इस सरकार को सिर्फ अपनी पड़ी होती ना तो मुफ्त में लोन नहीं बांटती। ठीक है जी, रेडी पटरी वाला भी जो है ना 50,000 रुपए तक का लोन मुफ्त में ले सकता है बिना किसी गारंटी के। आप और मैं किसी को 1,000 रुपए उधार नहीं देंगे बाबा जी। कई हजार करोड़ रुपया आप बता दीजिए। आप साक्षी दे दीजिए। नहीं, खुद मीडिया सामने रखूंगा। अरे नहीं, आप इसके लिए साथ चाहिए। आप जो मैं बात कर रहा हूँ साक्षी है। नहीं नहीं, ये भी साक्षी है, वो साक्षी नहीं। नहीं ये तब ये ठीक है, ये हमारी बात आप गलत हो गई। मैं बात गलत नहीं, आप कह रहे हैं साक्षी बात। अरे आप, अरे भाई नहीं, ये मान लो चार लोगों ने, नहीं आपको चार लोग नहीं कबूल कर रही है, आप कह रहे हैं साक्षी है, आप जो कह रहे वही साच है, वहाँ साच नहीं। आप इसके लिए साच होगा? आपका मतलब ये है कि लोन हमारे कहने का मतलब है, ये पाखंडवाद फैला के जनमानस को गुमराह करके हिंदू धर्म की अफीम फैला के संविधान बदलना चाहते हैं, आदिवासी दलित पिछड़ों को गुलाम बनाना चाहते हैं। चलो एक बात बताओ हमारे देश में ईवीएम हटाएं, अगर राम के भक्त हैं ईवीएम हटा दें। सुन तो लो बाबा जी, जवाब सुन लो। चलो मान लो अगर संविधान बदलना भी चाहते हैं बाबा जी, ठीक है, आप पूरा वर्ल्ड का डेटा कहता है हर देश में समय के हिसाब से संविधान में चेंजेस उनके होते रहे और आज भी हो रहे हैं। अगर आज हमारा देश भी, आज भी हमारा देश का उसी संविधान चलेगा क्या? जो संविधान आज से 60 साल पहले, 70 साल पहले लिखा गया था, आज पूरा देश मॉडर्नाइज हो चुका है, हर बच्चा मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, हर बच्चे को, हर व्यक्ति को पढ़ाई लिखाई हर चीज चाहिए, तो क्या आज भी क्या संविधान में वो मूलभूत चेंजेस नहीं होने चाहिए, जैसे कि जो आज के बच्चे को, आज के बच्चों को सपोर्ट मिले समाज के अंदर, आज के सिस्टम जो पुराने सिस्टम हो गई बात हो गई, रुकिए। हाँ, ये चेंज सुनिए, हर व्यक्ति वही चाह रहा है, नौजवान, किसान, गरीब, जो दलित पिछड़ा है, जिससे दलितों को अधिकार मिला वह संविधान बदला ना जाए, जिससे पिछड़ों को सम्मान मिला है बोलने को, मंदिर में जाने को, पूजा करने के लिए, लोकतंत्र में आवाज उठाने के लिए, पार्लियामेंट से विधानसभा जो जाने के लिए, सत्य बोलने का जो हमें अधिकार मिला है उसको ना बदला जाए। अब आपका अलग जमाना आ सकता है। नहीं, रुक जाइए, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोला। नहीं नहीं, सुने, नहीं छोटे, आप सुनिए, अब नहीं सुनिए, हमारी थोड़ी आवाजें तेज है, तो इसको ना बदला जाए। अब ये जैसे आप ये नया राम को ले जाए, नया भक्त लाए कि टेंट में राम थे, रामलला को हम लाए हैं, कृष्ण को लाएंगे, नीरव मोदी कब लाएंगे, विजय माल्या के
कब लाएंगे, तो ये बदलें, लेकिन इतने के इतना इतना न बदल दें कि गरीबों के जीने का स्तर ही बदल दें, अपना स्वरूप बदल दें और देश को समझे वर्ल्ड का। अब वर्ल्ड का वर्ल्ड सुनिए, अब बोल रहे थे वर्ल्ड का तुलना भारत से कर रहे हैं और राष्ट्रगुरु भी बनाना कर रहे हैं। जब आपको कहीं फंसना होगा तो वर्ल्ड का उदाहरण देंगे, जब आपको 2 करोड़ नौकरी की बात होगी पाकिस्तान की बात करेंगे, जब मणिपुर क्यों चिल्लाने से अब भाई आपको अब जब मणिपुर जलने मणिपुर क्यों जला 36 सेकंड क्यों बोले क्यों 36 सेकंड बोले तो इसको विपक्ष को आप सवाल खड़ा कर देंगे। जब आपको सही बोलने की आवश्यकता पड़ गई तब कहीं ना कहीं आप नफरत त्याग भ्रम और लोगों को केवल राम और अक्षत के नाम हिंदुत्व के नाम में अंधभक्त पैदा करके चंपत राय राम मंदिर के ट्रस्ट बोलने पिछड़ के ग्रहवा अवतार हैं। तो ये संविधान बदलना चाह रहे हैं, संविधान से वही मनुष्य स्मृति लागू करना चाह रहे हैं कि जो लोग शिक्षा के अधिकारी थे जो लोग पूजनी थी वही लोग रहें और गरीबों को केवल और ये जितने पिछड़े अति पिछड़े हैं इनका जो पहले से हम काम बांटे थे वही होना चाहिए। ये 24 का चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। बहुत बहुत धन्यवाद।